दो बात बताना चाहूंगा अगर यहां पे कामयाब होना है। एक सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप में टैलेंट है या नहीं है, आप कितने काबिल हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ एक चीज बता रहा हूं वो है एटीट्यूड। आपका नजरिया फिट रहना चाहिए। यहां पे लोग मैंने देखा काबिलियत की वजह से नहीं हारते, वो सिर्फ अपने नजरिए की वजह से हार जाते हैं। कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो एटीट्यूड का अंतर है। कुछ भी हो जाए आप अपने नजरिए को नहीं बिगड़ने देना, नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखना। अगर आप अपना नजरिया फिट रख सकते हो तो आप यहां पर कामयाब हो सकते हो, लेकिन अगर आपका जिस दिन नजरिया बिगड़ गया उस दिन फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर आज यहां हूं सिर्फ अपने बिंदास एटीट्यूड की वजह से। हाँ जी, जितने भी डायमंड हैं ये अपने एटीट्यूड की वजह से, और जो लोग डायमंड नहीं है वो भी अपने एटीट्यूड की वजह से। चीजें वही रहती हैं, सिचुएशन वही होती है, हर आदमी उसको अपने तरीके से देखता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई स्पेशल सिचुएशन अलग से बनी, हमारे रास्ते अलग थे, सिर्फ बात उन्हीं चीजों को उन्हीं परिस्थितियों को देखने के अलग अलग नजरिया होता है। एक आदमी उन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाता है और एक आदमी उन्हीं परिस्थितियों में निखर जाता है। बात सिर्फ नजरिए की होती है, नजरिए की होती है। आप समझ लो जब लोगों ने ना बोला, एक आदमी घर में घुस गया और एक आदमी की साला अगर तूने चैलेंज किया है, तू ज्वाइन नहीं कर रहा, तेरे बिना डायमंड बन के दिखाएंगे, ये एटीट्यूड ही तो था। यस या नो? एक बंदा साला स्टाम्प पर लिख के दे रहा है, एक आदमी उसको देख करके रो रो के परेशान कटोरा भर रहा है, और दूसरा बोला बेटा तेरे स्टाम्प को झूठा साबित करके दिखाएंगे, एटीट्यूड ही तो है। यस या नो? एक बंदे को सीट नहीं मिल रही, इसी बात में फटा जा रहा है, मुझे सीट नहीं मिली, और एक बोल रहा है साला जिस दिन सीट मिलेगी मेरे नाम का टैग लगा होगा, मैं उस दिन तक के लिए काम करूंगा, एटीट्यूड ही तो है। एक बंदे की जेब में पैसा नहीं है, वो इसीलिए काम नहीं कर रहा, और एक बंदा साला पैसा नहीं इसी के लिए तो काम करना है, अगर अंबानी होता तो काम करने की क्या जरूरत थी। एक बंदे को अगर एक साला फूल कम मिल गया वो इसी बात से दुखी है, और एक बंदा इसी के लिए काम करता है, आज एक फूल कम मिला साला क्या मन करो कि माला नहीं पहनी तो मेरा नाम नहीं, इसी के लिए काम करता है। एटीट्यूड ही तो है, एटीट्यूड ही तो होता है। यस या नो? एक बंदे को टाइम नहीं है, वो इसीलिए बहाना बना करके बैठा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा, और एक बंदा जानता है इस बात को, आज मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं समय की आजादी के लिए करूंगा, साला मैं किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खुली जिंदगी जीऊंगा, इसी के लिए मुझे काम करना है, आज मैं बिजी हूं लेकिन एक दिन आजाद हो जाऊंगा। एटीट्यूड ही तो है, एटीट्यूड है साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आप कोई भी बात ला करके बोलो, मैं हर लॉजिक को खारिज करता हूं, सिर्फ नजरिए की बात है। मैं उसका आपको प्रमाण दे सकता हूं, आप मरने का कारण देंगे मैं जिंदा रहने का कारण दे सकता हूं, आप जो वजह बताएंगे मैं उसका उल्टा बता सकता हूं कि क्यों रहना चाहिए क्यों करना चाहिए, मेरे पास पॉजिटिव वजह है। आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी है। अगर मैं रुक जाता तो बहाने सिचुएशन परिस्थिति वही होती है, अगर मैं रुक जाता तो मेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, लेकिन साला खामियाजा कितना बड़ा होता, एहसास ही नहीं होता। कौन जसवीर नहीं है यहां पे, इसी हॉल में आया था एक दिन, मैं बिल्कुल उतर बैठा था वहां, तीन की भी टीम नहीं थी मेरी, और यहां तक भी नहीं आ पाया था, यहां तक नहीं आ पाया था, मैं हिम्मत ही नहीं थी इतनी मेरी कि वहां से निकल के मैं ऐसे खड़ा होकर के आ सकूं, यही हॉल था, और आज यहां पे खड़ा हूं आपसे बात कर रहा हूं, पूरी टीम आज मेरी यहां पे बैठी हुई है। हेलो, नजरिए की बात है, अगर उस दिन रुक जाता तो आज यहां नहीं होता, सोच लेता यार इनका हो गया अपना नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं सोचा। अगर आप अपने एटीट्यूड के ऊपर काम कर सकते हो आप चैंपियन बन सकते हो, चैंपियन, और अगर आप एटीट्यूड पे काम नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई आपको चैंपियन नहीं बना सकता, कोई चैंपियन नहीं बना सकता। आपका नजरिया पॉजिटिव है उसके साथ आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। हाँ जी, एक तरफ आप ड्रीम लिख दो और ड्रीम के आगे दो चीजें, एटीट्यूड और एक्शन। पॉजिटिव एटीट्यूड है, केवल पॉजिटिव एटीट्यूड काम नहीं करता, एक्शन भी जरूरी है।
जिस तरीके से इंसान को खड़े रहने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी का होना जरूरी है, उस तरीके से इस बिजनेस में खड़े रहने के लिए आपको 4 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, बेसिक काम करना जरूरी है। इंसान की रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से रहती है, उस तरीके से हमारे बेसिक स्टेप रहते हैं। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी साहब, आपको 3 फुट वाले लोगों को मिलना पड़ेगा। आपको हंसी नहीं आती साला, जबरदस्ती दांत दिखाने होंगे, हंसू तो ये कुछ रिप्लाई दे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये आपका बेसिक है, ये करना पड़ेगा आपको। लिस्ट में लोग जोड़ने पड़ेंगे। आपका काम चल रहा है या ना चल रहा है, लेकिन आप भविष्य को देख करके एक्साइटेड रहना होगा और आपको बोलना पड़ेगा कि मैं दमदार हूं, दमदार करके दिखाऊंगा। ये आपके अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बेसिक है, बेसिक है ये। लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, प्लान दिखाना पड़ेगा। हेलो, आप कितने बड़े 30 मार्क खाएं उस वास्ते कुछ नहीं है साहब। आप जब काम पे निकले हो तो आपको बेसिक करना पड़ेगा। अगर आज विराट कोहली जाकर के क्रीज पे खड़े हो ऐसे कमर पे बल्ला लगा के, हेलो किससे बात कर रहे हो, मालूम है 100 सेंचुरी मेरे नाम पे, ओके अनुष्का का हस्बैंड हूं, ठीक है साला, तेरी ओके को पोके निकाल देगा, वो बॉल ऐसी मारेगा तू कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा फिर। हेलो, कमर पे बल्ला नहीं, उधर बल्ला सही जगह पे आना चाहिए। यस या नो, उसका काम है, वो एक्शन है उसका, वो लेना पड़ता है, वो ले रहा है। अच्छा, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, जब कैमरा होता है तो बोल दिया जाता है लाइट कैमरा और शुरू हो जा भाई। और अगर बोले मैं तो इतना बढ़ाना है एक्टर में, तो चाह घर फिर टाप रहे तेरे जैसे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस या नो। और 5 साल बाद जब नेताजी का टॉक टाइम खत्म हो जाता है तो जनता भी बोलती है एक्शन। हेलो, ले करके झंडे और बैनर आ जाते हैं, हमें वोट दो, और जिसने एक्शन नहीं किया वो घर में ही पैक है। यस या नो, एक्शन वो भी कर रहे हैं सारे के सारे लोग। किसी भी दिग्गजों को उठा करके देख लो, और आपको भी एक्शन करना पड़ेगा, जाकर के लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। दिखा सकते हो?